प्रखंड ससई थाना में निवर्तमान थाना प्रभारी श्री रवि होनागा ने नव पदस्थापित थाना प्रभारी श्री अनिल लिंडा का आदर सम्मान सहित फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उन्हें सम्मान अपनी कुर्सी सौंप कर ससई थाना में योगदान करने के लिए बधाई दी। नवनियुक्त थाना प्रभारी अनिल लिंडा पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों को अपनी प्राथमिकता बताई। अनिल लिंडा ने कहा कि ससई थाना क्षेत्र को मैं थानेदार के रूप में अपराध नियंत्रण का प्रयास करूंगा। ससई थाना में योगदान देने के बाद मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी नक्सल सपोर्टर हैं और नक्सल सपोर्टर के लिए पाई सपोर्टर है और नक्सली है उसे पूर्ण रूप से खात्मा करना, जो उसका सपोर्ट करते हैं उसको चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई करना है और जो नशाखोरी के विरुद्ध में लगातार अपना अभियान चलाता रहूँगा और जो भी लेकर ड्रग्स चरस गांजा का ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके विरुद्ध मैं कार्रवाई करूँगा। और मेरी थर्ड प्राथमिकता रहेगी कि कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना और आम पब्लिक के साथ समन्वय बनाकर काम करना और थाना स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना मेरी प्राथमिकता होगी। और यूथ के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं स्कूल कॉलेज जाकर उसके बीच मैं अपने बातों को रखूँगा और उससे मोटिवेशनल क्लास लेंगे और करियर के संबंध में उसको जानकारी दिया जाएगा और डायन बिसाही और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कुरीतियों पर भी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उसके विरुद्ध मैं लोगों को अवेयरनेस लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने का काम करूंगा और जो भी समस्या है मेरे पास आएगी उसका मैं समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा और जो भी ग्रेवियस मामले आएंगे उसे मैं FIR में कन्वर्ट करके उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। और आम जनता से मेरा निवेदन है कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई भी घटना घटेगी तो उसे अपने हाथ में नहीं लेंगे और पुलिस को सूचित करेंगे और ताकि मामला बिगड़े नहीं और समय से पुलिस उसमें बेहतर तरीके से काम कर सके और यही सारी प्राथमिकता रहेगी मेरी। करूँगा कि सप्ताह में 3 दिन आम पब्लिक और पुलिस के बीच मीटिंग करूँगा जिससे कि सप्ताह में 3 दिन आए लगातार आते आते पुलिस और एक पब्लिक में एक जो डिस्टेंस होती है उसमें कमी आएगी और जनता खुल के मेरे पास पुलिस के पास अपना समस्या को रख पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि लगातार एक दूसरे से अपना विचार विमर्श आदान प्रदान करने से लोगों के बीच जो पुलिस के प्रति भय है वो कम होगा और इस तरह से हम समझते हैं कि इस तरह से लगातार हम लोग का एक दूसरे से विचार विमर्श होने से पुलिस और पब्लिक के बीच जो विश्वास है वो बढ़ेगा और डिस्टेंस में कमी आएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।